अधिकांश मरीज जिनके घुटने खराब होते हैं उनकी ये साइड वाली जो मसल है जिसको हिप के एबडक्टर्स कहते हैं, ये मसल जैसे ये तौन के अंदर फैट जमा हो जाती है, जैसे ये तौन में फैट इकट्ठी हो जाती है, उसी तरह से यहाँ पे मसल के एरिया में काफ़ी फैट इकट्ठी हो जाती है और उससे इसकी पावर पे असर पड़ता है। तो इसकी पावर जब कम हो जाती है तो उसका आपकी चाल पे फर्क पड़ता है और चाल उसकी हिलने डुलने वाली चाल हो जाती है, आदमी आगे कम चलता है साइड में ज़्यादा हिलता है। तो उसको करने के लिए इसकी एक्सरसाइज कराई जाती है और उसके लिए नी के मूवमेंट को जीरो कर देते हैं, तो उसके अंदर नी मोबिलाइजर लगा देते हैं, लगा करके फिर इस एक्सरसाइज को कराते हैं। करें तो जैसे समझाया था मैंने, आप करिए। हाँ, इसको पूरे जितना पीछे खींच सकते हैं, ये मान लो टेबल है तो आप जितना पैर को पीछे खींच सकते हैं उतना खींचें, और देखिए पैर नीचे तो अपनी वजन के मारे ग्रेविटी से टांग अपने आप आएगी। आपको एक अंगूठा टच करना है यहाँ पर, अंगूठा पैर को सीधा नहीं, पैर पूरा टच नहीं करेगा, सिर्फ अंगूठा टच करेगा यहाँ पर और मेज़ के पिछले किनारे तक ले आइए आप यहाँ तक, ठीक है। हाँ, अब ऊपर उठाइए जितना ऊँचा उठा सकते हैं, देखिए मैं उठा रहा हूँ आपको, हाँ जितना ऊँचा उठा सकते हैं, और फिर अंगूठा टच करिए, उठा चाहिए फिर अंगूठा टच करिए, हाँ तो उठाइए फिर अंगूठा टच करिए। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हिप के एबडक्टर की। अगर हिप के एबडक्टर स्ट्रांग नहीं होंगे तो नी रिप्लेसमेंट के बाद मरीज की नॉर्मल चाल कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। नी रिप्लेसमेंट के अंदर हम सिर्फ अंदर जोड़ के अंदर इम्प्लांट ही डाल रहे हैं, हम उसकी मसल की पावर नहीं बढ़ा रहे हैं। मसल पावर के लिए फिजियोथेरेपी चाहे मरीज ऑपरेशन से पहले कर ले या ऑपरेशन के बाद। अधिकांश विदेशी मुल्कों के अंदर फिजियोथेरेपी जिसका नी रिप्लेसमेंट होता है उसको 3 महीने पहले से ये काम शुरू करवा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ 70 किलो से ऊपर वाले मरीज़ का नी रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं। एक तो वो वज़न कम करे, दूसरी मांसपेशियों की ताकत को भी नॉर्मल करे, जिससे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद वो नॉर्मल चाल से चल सके। यदि वो नॉर्मल चाल से नहीं चलेगा तो मरीज़ के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, अरे मैंने तो रिप्लेसमेंट भी करा लिया, मेरी चाल ख़राब है। तो रिप्लेसमेंट एक अलग चीज़ है और मांसपेशियों की ताकत अलग चीज़ है और हड्डियों की ताकत अलग चीज़ है। तो हड्डियों की ताकत के लिए इसको विटामिन डी, कैल्शियम, हाई प्रोटीन डाइट वो करना पड़ेगा। मांसपेशियों की ताकत के लिए इसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और नी रिप्लेसमेंट इज नी रिप्लेसमेंट। तो वो तीनों चीज़ों को इकट्ठा ना करके नी रिप्लेसमेंट करा दिया तो उसको करने से आपकी मांसपेशियों की ताकत भी नॉर्मल हो गई और आपकी हड्डियों की ताकत भी नॉर्मल हो गई, नहीं उनके लिए अलग इलाज चलेगा। तो जो लोग हड्डियों की ताकत को नॉर्मल ऑस्टियोपोरोसिस को मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो ऑपरेशन से पहले करें बाद में, लेकिन वो करना पड़ेगा। अगर आपने हड्डियों की ताकत को नॉर्मल नहीं किया, ऑस्टियोपोरोसिस रहने दी, तो नी का इम्प्लांट हड्डी के अंदर धस जाएगा, अगले 2-3 साल में वो फेल हो जाएगा। तो हड्डियों की ताकत को नॉर्मल करना भी ज़रूरी है और मांसपेशियों की ताकत को नॉर्मल करना भी ज़रूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोनों ही नहीं किए थे, ना हड्डियों की ताकत नॉर्मल की और ना मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल की, तो उनका नी जॉइंट रिप्लेसमेंट का रिजल्ट नहीं आया था और एक अच्छी सी प्रोसीजर दुनिया के अंदर बदनाम हो गई थी। तो अगर आपको नी रिप्लेसमेंट का अच्छा रिजल्ट लेना है तो हड्डियों की ताकत भी नॉर्मल करें और मांसपेशियों की ताकत भी नॉर्मल करें। हड्डियों और मांसपेशी दोनों के लिए हाई प्रोटीन डाइट जरूरी है और जीरो फैट एंड जीरो शुगर डाइट, उसका मेरा एक डाइट प्लान है। ये दोनों मरीज, इनके मैंने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, इनका मैंने नी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, ये अभी स्टिचिंग है, आज इनके निकाले जाएंगे। देखिए ये इनके स्टिच आज निकाले जाएंगे, ये और ये अभी, और ये नॉर्मल चल रही हैं क्योंकि इन्होंने हड्डियों की ताकत को भी नॉर्मल कर लिया है और ये मांसपेशियों की ताकत भी अच्छी खासी नॉर्मल कर ली है इन्होंने, ठीक। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हड्डियों की ताकत भी नॉर्मल करें और मांसपेशी। अब दूसरी साइड से करिए सर, दूसरे साइड से पलट जाइए। इनका नी रिप्लेसमेंट करना है, इनका ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, पर इन्होंने पहले क्या किया है, पहले अपने वेट को नॉर्मल कर रहे हैं और पहले मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल कर रहे हैं। ही पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर एमटेक हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े टू दी पॉइंट बात करते हैं। तो बोले डॉक्टर साहब पहले तो मैं अपनी वजन नॉर्मल करूँगा और मांसपेशियों की ताकत नॉर्मल करूँगा जिससे कि मेरा नी रिप्लेसमेंट 100% सक्सेसफुल हो और मैं पूरे 100 साल की उम्र तक उससे जीऊँ। तो सर एक सेकंड जरा बताएंगे, आपने कितना वजन था, कितना कर लिया? 103 95 हो गया 2 महीने। 103 किलो वजन था आपका,
हाँ आप कितना हो गया है? 95 95 kg वजन हो गया है वेगन आपका। डाइट पे हूँ मैं अभी। वेगन डाइट जो चार्ट हमने दिया हुआ है, हाँ जी प्योर वेगन डाइट। प्योर दूध बंद है वेगन बिल्कुल? डाइट, दूध दूध बंद है, सिर्फ टोफू लेता हूँ मैं हाँ पनीर की टोफू। जगह, हाँ और और अंकुरित खाता हूँ, फ्रूट्स सलाड, हाँ सूखी रोटी बिना चुपड़ी हाँ और नॉर्मल सब्जियाँ। हाँ नॉर्मल सब्जियाँ। हाँ जी, ठीक। और एक्सरसाइज कर रहे हैं? एक्सरसाइज अच्छा, रेगुलर जब कर आप रहा हूँ, मेरे साइकिलिंग पास रेगुलर कर रहा हूँ, एयर बाइक ले ली आपने, एयर बाइक रेगुलर चला रहा हूँ मैं सुबह हाँ, शाम, और जो रोलिंग एक्सरसाइज बताई थी, रोलिंग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हाँ और पैर को ये उठाने वाली एक्सरसाइज हाँ और सीधा पैर को ऊपर वाली एक्सरसाइज, ये भी कर मैं कर घर रहा में था। ठीक। करता जब हूँ। आप मेरे पास आए थे तब में और अब में कितना अंतर आ चुका है? पहले मैं चल ही नहीं पा रहा था, अब तो मैं आराम से चल पा रहा हूँ, मैं चल, लंगड़ा रहा था पहले तो, लंगड़ा रहे थे। अब दर्द वर्द ठीक है अब दर्द आपका? वर्द ठीक दर्द है, ठीक, काफी चाल बेहतर है। अभी चाल आपका कोई मेरी सर्जरी नहीं की हमने, अभी कुछ नहीं किया कभी है, नहीं किया। अब सर्जरी कब कराएंगे आप? मेरा वजन 80 किलो आ जाए, 80 से नीचे आ जाए तब कराएंगे तब आप। कराऊंगा चलिए, मैं। वेरी गुड। जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ इंजीनियरिंग मैं के अंदर है जी। और एक बड़ी इंडस्ट्री है आपकी फरीदाबाद हाँ जी में। जी वेरी गुड। तो आप अब तक की आप इससे संतुष्ट हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? ना, प्रोसीजर आपका बिल्कुल सही है, ट्रैक हाँ आपका बिल्कुल सही है इसको हाँ करने का, कि हाँ मरीज को पहले ठीक करो, हाँ स्वस्थ करो, उसकी हाँ मसल्स की पूरी ताकत लाओ, उसके बाद जॉइंट मतलब को खेत लगाओ, पहले क्योंकि नी खेत को जॉइंट तो तय। मूवमेंट का हिस्सा है, बस बस। बाकी तो चलाना तो मसल्स ने है, नी जॉइंट ने थोड़ी चलाना है। ठीक, तो खेत को पहले तैयार करो बीज बाद में बोओ। हाँ जी बिल्कुल सही। जी तो मैं कोशिश करता हूँ मरीज को ये समझाने की, पर लोग कहते हैं भाई रिप्लेसमेंट करा लो और दूसरे दिन चला दो, नहीं चल ऐसे ऐसे पाएगा। ये तो मजाक वाली बात है, कि हाँ वो जादू थोड़ी होता है, वो तो लोहे का जॉइंट, हमारा प्रकृति वाला जॉइंट है, वो लोहे का जॉइंट है, आर्टिफिशियल जॉइंट है, तो जी। जॉइंट का ही तो फर्क है, लेकिन प्रॉब्लम तो मसल्स की है, जो उठा नहीं पाती चला नहीं पाती, मसल्स की ताकत आ जाए तो सब नहीं, कुछ बढ़िया आप हो तो समझ जाता, जाते हैं। लोग वाक क्या कहते हैं, नहीं आप रिप्लेसमेंट कर दो और बाकी चीज़ अपने आप नॉर्मल हो अपने जाएंगी। आप कभी भी कुछ नहीं होता है, अपने हाँ आप कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है, तो मेहनत आपने करनी कितना पड़ती वजन है। गिरा लिया? 13 किलो, 95 103 8 9 किलो 9 किलो वजन गिरा आठ लिया हाँ आपने। जी आप संतुष्ट हैं सब चीज़ हाँ से? जी आपने डाइट चेंज की, उसको ज़्यादा परेशानी तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं है? बल्कि इससे एनर्जेटिक ज़्यादा हो गया हूँ मैं। ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हो। हाँ जी आपको पता है जो हमारा जो क्रिकेट का कैप्टन है हाँ जी, विराट कोहली, वो भी वैगन हो गए वो हैं, 100% और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, बढ़ गई है। पता आपको है? हाँ जी तो आप विराट कोहली की जगह पे आ गए आप। नहीं, मैं उसकी जगह तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन इम्प्रूव मैं जो है अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ कर रहे हैं, जी, अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, एनर्जी लेवल, मुझे 2 बजे तक भूख नहीं लगती, नहीं तो मुझे 12 बजे भूख लग जाती थी, और आपका जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का चक्कर था उसका काफी डायबिटीज़ कम हो गई काफ़ी सारी, कम हो गई है, काफ़ी कम हो तो गई मैं कोई है। दवा तो नहीं दे रहा? नहीं आपकी दवाई तो नहीं है, जो रेगुलर डायबिटीज़ की दवाई है, पहले 130 के करीब रहती थी, अब हाँ वो 100 के आसपास रहने लगी है, ठीक है। और ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। नॉर्मल रह गया? हाँ जी चलिए, तो आप इससे संतुष्ट हैं, आप रिप्लेसमेंट कराएंगे जब 80 किलो वजन आ जाएगा, हाँ तब जी, जब बॉडी तक आइडियल हो जाएगी। पर मेरी मुझे ऐसा मसल्स लग रहा है जब परफेक्ट, तक आप उस पर आएंगे तब कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे रिप्लेसमेंट कराने नहीं है, मैं तो ऐसे ही ठीक हो गया। मेरे अधिकांश मरीजों के साथ ये एक्सपीरियंस है। जब मैं बॉडी वेट नॉर्मल करता हूँ और मसल पावर नॉर्मल करता हूँ, बाकी जो जो डिफॉर्मिटी है वो भी मेरे ट्रैक्शन टेक्निक से ठीक हो जाती है, फिर मरीज कहता है डॉक्टर साहब एक्सरे को आप देखिए, मैं तो एक्सरे नहीं देख रहा और मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, चाल ठीक होगी, तब मैं क्यों रिप्लेसमेंट कराऊँ? तो मेरे तो रिप्लेसमेंट की फीस और मारी जाती है। तो समय की, समय की बात है ऐसा करीब करीब मेरे 500 से ज़्यादा मरीजों में हो चुका है, जी, कहीं आप भी नहीं कर लेना? समय को देखा जाएगा चलो जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी, मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फोर्टिस डॉक हॉस्पिटल, नेहरू प्लेस न्यू दिल्ली, एंड बोन जॉइंट केयर, A74 सरताबाद न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433। तो सिंधु साहब, आप सबको एक लास्ट मैसेज दीजिए। अपनी डाइट बढ़िया रखिए, वेगन डाइट रखिए, नियमित एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी का ध्यान दीजिए, अपने लिए कुछ समय दीजिए, अपने शरीर के लिए समय दीजिए, ताकि आपका शरीर जो है आगे तक सही चले। तो आपने चेंज महसूस किया, यही आप लोगों को सलाह दे रहे हैं? नहीं मुझे खुद महसूस हुआ है, वही मैं हाँ अपनी एक्सपीरियंस आपको सबको देना चाहता हूँ धन्यवाद। जी।